हेलो दोस्तों, ये हमारे गुलाब के पौधे हैं। हम इन्हें फिर से कटिंग करने जा रहे हैं। ये अक्टूबर नवंबर में गुलाब की कटिंग होती है, इसलिए मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया है कटिंग करने में। अब हम इन्हें कटिंग कर देंगे और कटिंग करके इसमें खाद डालेंगे, वो मैं अगली अपडेट में बताऊंगा। हमारे गुलाब में भी फूल और कलियां आ रही हैं, पर इन्हें काटना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख सकते हैं हमारे गुलाब कैसे हो रहे हैं। इनमें देखिए फूल भी हैं, ये देखिए कलियां हैं, और ये देखिए अभी कुछ फूल सूख भी चुके हैं, और ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियां वगैरह हैं। पर इन्हें काटना तो पड़ेगा ही। अब हम एक एक करके ये सभी पेड़ों के कटिंग कर देंगे। हमारे पास तीन ये भी गुलाब के पौधे अलग लगे हैं, इन्हें भी कटिंग करेंगे। हम इन गुलाबों की कटिंग इसी पेड़ से करना स्टार्ट करने वाले हैं, और कटिंग करने के बाद मैं जब इसकी गुड़ाई और खाद दूंगा तब का वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अब देखिए हम इसकी जो है यहीं से कटिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक नया बड दिख रहा है और जो ग्रोथ कर चुका है, तो हम लोग यहीं से काट देंगे। और इसमें भी हम लोग यही करेंगे। ये पौधा देखिए, इसको भी हम लोग नीचे से ही काट देंगे। और इसकी याली भी ब्रांच काट देंगे। अब ये भी हमारा पौधा है, और ये भी जो है फूल दे चुका है, और इसकी कटिंग कर देंगे तो ये और घना और सुंदर हो जाएगा। और डेड वाली जितनी भी वो हो उन्हें भी काट दीजिए। ये हमारे पौधे की कटिंग हो गई है। अब ये देखिए इसमें फूल भी आ चुका है और कली भी है, पर इसको काटना तो पड़ेगा ही, और हम लोग इतने नीचे से काटने वाले हैं इसको। इस तरीके से काट देंगे, इसको काटेंगे यहां से, इसको हम लोग दो जगह से काटेंगे, एक यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट देंगे। असल बात इसकी मैंने जो है 2 महीने पहले भी कटिंग करी थी, और उस समय हमने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी, अब हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। इसकी डेड वाली सारी हटा देंगे।
ये हमारे गुलाब की कटिंग इसकी भी हो गई है। और ये भी पौधा जो है ये बहुत काम का पौधा है, ये औषधि है, पर इसे भी हमें अलग करना पड़ेगा, पर इसे हम बाद में करते हैं। अब हम इस गमले को साफ़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हटा दिया। ये हमें डेड होती हुई लीव वाली दिख रही थी, इसे काट दिया और ये डेड वाली हटा दिया। जितनी भी ब्रांचेस होंगी सबको हम लोग नीचे ही से कट करेंगे। ये डेड ब्रांच है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये काफ़ी घना होकर के पौधा तैयार होगा। बस अब ये इसे हमें गुड़ाई करना है और पानी डालना है। ये हमारा बड़े गमले में तीसरा पेड़ है, इसको भी हम लोग हटा देंगे काट के। जितनी भी लंबी डाल है सब हम हटा देंगे। इस समय ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, इसलिए सबकी कटिंग कर देना सही रहता है। कटिंग करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि जब भी आप अक्टूबर नवंबर में कटिंग करें तो आप अपने गुलाब को एकदम नीचे से ही काटना है कि वहाँ से नई ब्रांचेस डेवलप हो। और सभी डेड वाली ब्रांचेस को काटना भी जरूरी है। अब हमारे इस गमले में दो तुलसी के पौधे भी जगे हुए हैं, इन्हें बाद में हटाएंगे। ये हम अब बड़े गमले में चौथा गमला साफ कर रहे हैं। इसकी ही मैंने 2 महीने पहले भी कटिंग करी हुई थी। ये हमारा 5वां गमला होने वाला है।
इसकी भी हम लोग कटिंग करके जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा सातवां गमला है। हम लोग इसकी भी कटिंग करके, इसमें तो आप देख सकते कितना बढ़िया सुंदर फूल भी खिला हुआ था, पर इसे हटाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए प्लांट की। अभी हम लोग इसकी गुड़ाई करेंगे, इसे पानी है सूख जाएगा तो इसकी गुड़ाई कर देंगे, और गुड़ाई करने के बाद हम लोग इसे फर्टिलाइज़र और एक खाद डालने वाले हैं जिससे इसमें बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। अब हम लोग इस गमले में दो दिन पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये देखिए, ये भी हमारा पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पर इसे भी हम लोग काटने वाले हैं। इसे भी हम देखिए इतने इतने नीचे से काटने वाले हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से काटने वाले हैं। इसमें एक पौधा भी जगा है, उसको हम लोग बाद में काटेंगे। ये देखिए, ये सारी कलम आप लगा भी सकते हैं, आप क्या, हम खुद ही लगाएंगे। इस गमले में हमारे देखिए ये फूल का पौधा लगा है, अपने आप जग गया है, पर अभी हम इन फूलों को हटाएंगे नहीं, इनका अच्छे लग रहे हैं इसलिए खाली हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारे सभी गमले कटिंग कर दिए गए हैं और देखिए कितनी ढेर सारी कटिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे फेंक भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करिएगा। ये गुलाब की कटिंग हम लोग लगाने वाले हैं गमले में, और हम लोग इस गमले की कटिंग तैयार करके आप लोगों को वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने गुलदावरी और गुलाब के पौधों में खाद डालने के लिए खाद तैयार करने जा रहे हैं, और ये हम खाद डालेंगे बोन मिल, वर्मी कंपोस्ट,
ये सारी चीज़ें मिक्स करके डालने वाले हैं, और ये DAP भी हम डालेंगे इसमें। ये DAP मैं इसको डालूँगा, और ये हमारे पास हमने पहले से ही मिक्स करके खाद रखा हुआ है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, और वह इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा कम है, वो हम अलग से ऐड कर लेंगे। और ये हम लोगों ने सरसों की खली भी ला कर रखा हुआ है, इसको बाद में देंगे। ये जो हमारी खाद है इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, नीम खली है, सरसों की खली है, बोन मील है, सब कुछ मिला हुआ है। और इसकी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें DAP भी डालेंगे। ये हमने 4 मुट्ठी ये खाद ले ली है, और इसमें हम 1 मुट्ठी यली खाद डाल देंगे DAP, और ये ऑर्गेनिक DAP है। अब इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे, और हम लोग इसी को गमले में देने वाले हैं। ये हमारे हाइब्रिड गुलाब हैं, हम इनमें भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इनकी कटिंग हमने कर रखी है, इनकी गुड़ाई भी हो चुकी है, इनकी कटिंग भी हो चुकी है। आज हम लोग इसमें खाद डाल रहे हैं। ये भी गुलाब है, इसमें तुलसी जग गई है, थोड़ी थोड़ी सब में डाल देंगे। देखिए सब में ग्रोथ भी आ रही है, और ये देख सकते हैं हमारे गुलाब कैसे जगे हुए हैं। मैंने इसकी कटिंग जो है छोड़ दी थी, इसे थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। ये भी हमारा गुलाब है, इसे भी डाल देंगे। ये हमारे गुलाब के पौधे हैं, हमने इनकी कटिंग करी थी, और इनकी कटिंग ये मैंने दोबारा करी हुई है। अब हम लोग इसमें खाद डाल देंगे, और इसकी खाद डालने के बाद गुड़ाई करेंगे। और अभी इसमें हम लोग जो है इसमें शाम को एक और चीज़ डालेंगे, वो सरसों की खली और नीम खली मिक्स करके। इसमें थोड़ी मिट्टी हम बढ़ाएंगे भी।